इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ग्लोबल IMFL ब्रांड्स की संस्था है। हमारा काम है कि हम सरकार के साथ हमारे मेंबर कंपनीज के इश्यूज को रिजॉल्व करें। और इसी सिलसिले में मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्साइज नितिन जी से मिली थी और मैंने नितिन जी से दो बातें कही थी कि ज़रूर इन दो बातों पे गौर करिएगा। वन, पहली बात तो ये है कि इन्फ्लेशन के आज 5 साल हो चुके हैं, IMFL सप्लायर प्राइस इंक्रीसेस यूपी सरकार ने हमें नहीं दिए और इन 5 सालों में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, खास करके पैंडेमिक के बाद। कोविड के बाद का जो इन्फ्लेशन जो सामने नजर आ रहा है, चाहे वो ग्लास बॉटल्स हैं या गत्ते के हमारे डब्बे हैं या क्लोजर्स हैं या फिर ENA हैं, कम से कम 18-26% की इन्फ्लेशन हर डायरेक्ट मटेरियल पे है। और यही बात मैंने नितिन जी को समझाई थी कि इस इन्फ्लेशन ने तो हमारे मेंबर्स की कमर तोड़ दी है, तिस पे ऊपर से अगर प्राइस इंक्रीज नहीं मिला है तो हमारे सप्लायर्स, हमारे मेंबर्स का काम आगे कैसे चलेगा। दूसरी दरख्वास्त मंत्री महोदय से ये थी कि देखिए, कम से कम कैबिनेट से जो अप्रूव हुई भी एक्साइज पॉलिसी जो 2022-23 वर्ष के लिए है, कम से कम उसे तो लागू कीजिए। उस एक्साइज पॉलिसी के हिसाब से सप्लायर प्राइसेस शुड बी लोएस्ट ऑफ 8 स्टेट्स, वो भी नहीं अमल की जा रही है। तो आज बात इस नौबत पे पहुंच चुकी है कि 5 साल पहले की जो प्राइसेस है उस पे हम सप्लाई कर रहे हैं और हम जाएं तो जाएं कहां, खर्चे जिस तरीके से बढ़ चुके हैं। ये दो बातों को लेकर मैंने नितिन जी से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज इन पे गौर किया जाए, क्योंकि नितिन जी के विजन को रियलाइज करने के लिए IMFL इंडस्ट्री का ग्रो करना बहुत जरूरी है।